जो ऑब्जेक्ट साइंस से उन्होंने बाय ऑब्जर्वेशन जो सीखा, जिससे उन्होंने लर्निंग ली, हाइलाइट्स का ध्यान रखना आप यूट्यूब के लिए, ठीक है? तो जिनसे उन्होंने सारा ज्ञान तो अब दूत जी, आई थिंक आप लोग पीछे के उनको भी रिकैप कर चुके हैं, कोई नया है तो उनके लिए समाप्त है कि हमने अभी तक अवधूत जी के कुछ इनिशियल गुरुज के बारे में जाना, जैसे अर्थ, वाटर, एयर, फायर, स्पेस, इन दिस वे। तो उन्होंने किस किस ऑब्जेक्ट साइंस से, ऑब्जेक्ट से क्या क्या सीखा, क्या क्या लर्निंग ली। जस्ट हम देखते हैं कि हम पानी हर रोज पीते हैं, हवा हर रोज चलती है, लेकिन उससे भी हम क्या लेसन ले सकते हैं, दैट इज द डीपेस्ट थिंग। और वही चीज विजडम है, ये एंशियंट विजडम के हर एक चीज में कुछ ना कुछ उपदेश छिपा होता है। तो उसी सिलसिले में आगे चलते हुए, इन द सेम सीक्वेंस, आज हम उनके जो आगे के गुरु हैं, सूर्य और चंद्रमा, सन एंड मून, तो वो राजा जादू को, जैसे मैं बता रही हूँ कि जो राजा जादू थे, जिनसे कृष्णा जी के वंशज थे, उनके बारे में बता रहे हैं कि वो जब उनसे पूछते हैं कि आप ब्लेसफुल स्टेट में कैसे हो, इतने मस्त मौला कैसे हो, तो वो बताते हैं कि मैंने सब जगह से सीखा। तो वो उसको बता रहे हैं कि राजन, ओ किंग, आई लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड मी, जस्ट वी नीड टू बी ओपन टू ईच एंड एवरी थिंग, वी मस्ट हैव कीन ऑब्जर्वेशन और सीखने की, समझने की हमें वो स्किल होनी चाहिए कि हम हर चीज के साथ कनेक्ट होके उससे कुछ ले सके। तो वो कहते कि मेरा अगला गुरु है सूर्य, सन। तो वो कहते कि जैसे सूर्य का प्रकाश हर एक चीज में, समंदर में, तालाब में, अलग अलग पॉट्स में पानी पड़ा हुआ है, या किसी भी सब सरफेसेस पे रिफ्लेक्ट होता है, तो हमें ऐसे लगता है कि सूर्य सब जगह मौजूद है, अलग अलग जगह। वो कहते हैं कि एज सन रिफ्लेक्टेड इन मिलियंस ऑफ पर्डल्स, ईच रिफ्लेक्शन सीम्स डिफरेंट बट इट इज द सेम सन। हमें लगता है कि उस छोटे पॉट में भी सूर्य दिखाई दे रहा है, बड़े लेक में भी, लेकिन वो अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन वो है एक ही है, उसकी रिफ्लेक्शन। तो वो कहते इससे मैंने क्या सीखा कि एज द सुप्रीम सोल इज वन दैट इज रिफ्लेक्टेड इन, जो हम सब जीवात्मा है, सब बॉडीज हैं, उनके अंदर जैसे सूर्य एक है, उसकी किरणें धरती पे आ रही हैं अलग अलग जगह पे, ऐसे ही सुप्रीम सोल एक है, उसमें से जो स्पेक्स ऑफ सोल्स हैं वो निकल निकल के हम इस वर्ल्ड स्टेज पे अपना पार्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो दिखने को लगता है कि हर एक, जैसे काफी सारे पॉट रख दो, उसमें रिफ्लेक्शन सूर्य की एक एक जगह पे अलग अलग दिखेगी, लेकिन बट एंड एक्चुअल वी नो दैट इट्स अ वन सन। वो कहते मुझे सूर्य की से मैंने ये सीखा कि वननेस भी आ गया इसमें, कि वो जो सुप्रीम सोल है वो एक है, वो जो सब जीवात्मा है उनमें सिर्फ रिफ्लेक्ट होती है, अदरवाइज वो प्रकाश और वो लाइट, वो डिविनिटी एक ही है सुप्रीम सोल की। तो वो कहते हैं कि इस तरह से मैंने ये कि किसको किस नजर से देखना है, कोई छोटा पॉट है या बड़ी लेक है, बड़ा वाटर बॉडी है सब में, या कोई ऑब्जेक्ट है, सन तो उसी पे पढ़ के उसको उजागर कर रहा है ना। वो कहते उससे मैंने देखा कि चाहे जो भी है उस में, हम जो अपने आसपास ये वर्ल्डली लाइफ में भी देख रहे हैं, लेकिन वो प्रकाश तो सुप्रीम
जो सोल है उसी का ही रिफ्लेक्ट होता है सब में, क्योंकि उसी की वजह से ही ये सारा यूनिवर्स चल रहा है। और वो कहते हैं कि एक ड्यूटी बाउंडनेस, जैसे अर्थ में भी हमने देखा था ड्यूटी, लेकिन यहाँ पे ड्यूटी जैसे पहले होता था, अभी तो साइंस ने बता दिया कि सूर्य जो सन है इट रिवॉल्व्स अराउंड इट्स एक्सिस एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड, बट पहले क्या होता था, जैसे बोलते थे कि अटर्नल ट्रूथ के सूर्य सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो ये माना जाता था कि इसको कितना ड्यूटी बाउंड, मतलब कितना इसको वो अपना डिसिप्लिन का पक्का है कि कुछ भी हो जाए एक नियमित समय पे ये राइज होगा और एक नियमित समय पे ये छिपेगा, सनसेट होगा। तो वो कहते कि इससे हमने क्या सीखा, जो एक रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी निरंतरता वो मैंने सूर्य से सीखी, कभी ना थकना, बादल आए कुछ भी आए आंधी तूफान वो सब नीचे रह जाता है, वो ऊपर चमकता ही रहता है और अपने राइट टाइम पे अपने एक्सेस के अराउंड घूमता हुआ हमें वो शो होता है कि वो राइट टाइम पे चढ़ा, तभी तो प्रेडिक्शंस हो जाती हैं कि यस सनराइजेस एट दिस टाइम सेट्स एट दिस टाइम, तो यहाँ पे छिपेगा तो दूसरी जगह जाके चढ़ जाएगा। तो वो कहते कि इससे मुझे एक रेगुलरिटी कि कुछ भी हो जाए, हम लोग क्या करते हैं जरा सा कुछ हुआ हम अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जस्ट मियर प्रॉब्लम्स की वजह से हम अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पोस्टपोन कर देते हैं, एक तरह से ये लेजीनेस को भी चैलेंज कर रहा है कि हमें अपने आप को कैसे कंटिन्यू रखना है, स्टीडीनेस कि चलते जाना है रुकना नहीं कॉन्स्टेंटली। और जैसे एक सबसे बड़ा जो है अर्थ पे सन हीट है, जो ओनली बिकॉज ऑफ दैट जो समंदर सी से वाटर एवेपोरेट होता है, अदरवाइज एवेपोरेशन इज नॉट पॉसिबल, सन हीट ही है जिस वजह से पानी अर्थ और हीट जो फायर है उसकी वजह से लाइफ सर्वाइविंग है, अदरवाइज समंदर का पानी पीने लायक नहीं है। अगर सन हीट होती है तो उससे वो इवेपोरेट होता है क्लाउड्स और फिर वो जाके जब बरसता है बारिश बनती है तो वो ग्राउंड वाटर अर्थ के अंदर जाता है, अर्थ अब्सॉर्ब करती है और वो ड्रिंकिंग वाटर भी बनता है। और सूर्य का इसमें क्या रोल है, यानी कि वो मेहनत करता है, सन सोक्स वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ सी एंड देन क्या वो अपने पास रखता है, नो नो स्टोर हाउस, इट अनकंडीशनली गिव टू द अर्थ, जस्ट गिव इट बैक टू द अर्थ। दैट मीन्स के जो साधक होते हैं या हम हैं जो अगर स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे इवन वर्डली पर्पस के लिए, कि जो चीज हमें मिल जाती है उसको संग्रह नहीं करना, उसको स्टोर करके नहीं रखना, जस्ट गिव इट अनकंडीशनली फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। देखो जब बरसात नहीं होती कितना भयानक या कितना सुवियर कंडीशन हो जाती है, अर्थ में क्रैक, सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है, तो सन जो इवेपोरेशन करके क्लाउड्स लेता है वो अनकंडीशनली वापस धरती को देता है, और वो भी क्या करके, समंदर का पानी तो खारा होता है, उसको रिफाइंड करके यूजेबल फॉर्म में वो धरती को देता है। तो वो कहते ही राजन मैंने क्या सीखा, यही सीखा कि सूर्य की तरह स्टीडीनेस कांस्टेंट रेगुलरिटी शाइनिंग एज ए सुप्रीम सोल रिफ्लेक्टिंग इन ऑल ऑब्जेक्ट्स और अनकंडीशनल गिविंग, और जब भी इन द सेम वे व्हेन वी गेन एनी नॉलेज और एनी एनीथिंग थ्रू
थ्रू आवर सेंसेस और थ्रू आवर इंटेलेक्ट और इवन ऑब्जेक्ट, वर्डली ऑब्जेक्ट, जस्ट एट अप्रोप्रिएट टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड, डोंट कीप विद यू। तो वो कहते सूर्य से मैंने यही सीखा कि कैसे जो भी मैंने पाया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, इससे मुझे डिटैचमेंट, मतलब अटैचमेंट नहीं, जस्ट अनअटैच्ड रह के जस्ट गो ऑन डिस्ट्रीब्यूट दिस। तो वो कहते सूर्य से मैंने ये सीखा कि दूसरों को कैसे सब अपना बांट देना है प्रॉपर टाइम पे, मॉनसून का जैसे टाइम होता है। पहले सूर्य क्या करता है, इवेपोरेशन होती है, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन होती है, देन धीरे धीरे जहां जहां होता है वो विंड के उससे फिर मॉनसून का टाइम आता है। ये नहीं कि वो हमेशा सोका और फटाफट बारिश कर दी, ये नहीं। पहले आप जब ग्रहण, मतलब जब गेन करने का टाइम है तो उसको पूरी तरह से गेन करो, बट डोंट कीप इट फॉर लॉन्ग टाइम। जस्ट व्हेन यू बिकम सैचुरेटेड देन जस्ट गिव इट अवे टू अदर्स फॉर बेनिफिट ऑफ अदर्स। वो कहते सूर्य से मैंने ये सीखा। और फिर वो कहते मेरा गुरु बना चंद्रमा। मून की क्या क्वालिटी है, कोई भी बता सकता है? एनीवन? कूलनेस मैम, शीतलता, एक्चुअल मोर देन दैट मैम रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करना, कुछ अब्जॉर्ब करके फिर उसको लाइक दूसरों के लिए रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्ट करना, अब्सॉर्व करना, यस, क्योंकि उधार की रोशनी लेता है वो सूर्य से और वो भी बांट देता है, उसकी अपनी तो है नहीं। इट जस्ट रिफ्लेक्ट, इट जस्ट अब्सॉर्व फ्रॉम सन एंड गिव बैक टू अस ऑन अर्थ। ये भी वही हो गया उसकी तरह, सूर्य की तरह उसने सोखा समंदर से लेकिन वापस अर्थ को दे दिया, और वो भी अच्छा करके मीठा पानी बना के दे दिया, क्योंकि उस प्रोसेस में जो समंदर का खारा पानी है वो कन्वर्जन हो गई और वो ड्रिंकिंग वाटर बन गया माउंटेन्स और उनके थ्रू रिवर्स के थ्रू। तो ऐसे ही चंद्रमा क्या करता है, उधार की रोशनी लेता है, फिर भी हम अपने पैसे से खर्च के कोई चीज लेते हैं तो हम ये नहीं सोचते सोचते हैं कि दें या ना दें। और अगर किसी से उधार लिया हो कि भाई आज मेरे पास ये चीज नहीं है, मैंने बोरो किया हो, उसको तो क्वेश्चन ही नहीं कि हम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो ये मून की कितनी बड़ी क्वालिटी है कि जो दूसरों से लेके फिर भी आगे बांट देना और शीतलता देना, और वो भी बांटना कैसे कि सूर्य सूर्य से ले रहा है, सूर्य तो आग बरसा रहा है हीट, लेकिन उसको भी अब्सॉर्ब करके वो वापस रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, शीतलता। तो वे कहते मैंने चंद्रमा से सीखा। और सबसे बड़ी बात, जब मून के वैक्सेस एंड वेन्स का फेज आता है, मींस जब चंद्रमा कम ज्यादा होता है, डू यू थिंक रियली इट हैपन्स? नो, ये सिर्फ अर्थ की एंगल की वजह से फेजेस आते हैं और उनके डिफरेंट, जैसे कि हम देखते हैं कि सन जो मून है वो इन इटसेल्फ कंप्लीट है, लेकिन फिर भी वो नो मून न्यू मून आगे आगे चलते हुए फुल मून तक जाता है बिकॉज ऑफ सेलेस्टियल एडजस्टमेंट, और उसका इफेक्ट भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन एज सच क्या मून कभी पूरी तरह से गया या पूरी तरह से आया? इट रिमेन्स एज सच। तो ये चीज वो कहते मैंने क्या सीखा इससे कि जैसे चंद्रमा की कलाएं कम ज्यादा होती हैं, मून के जो फेजेस हैं उनको हिंदी में कलाएं बोलते हैं,
सोलह कला बनती है, उसके बाद जाके वो फिर फुल मून और एकादशी ये सब पीरियड्स आते हैं, डिफरेंट टॉपिक। तो वो कहते हैं कि ये कम ज्यादा होती हैं, इसकी कलाएं बढ़ती कम ज्यादा होती हैं, बट मून का आकार वही रहता है। तो एक इससे दो लेसन्स आते हैं, क्या हमारी जो सोल है वो कंप्लीट है, ये बॉडी बचपन से लेके बुढ़ापे तक, न्यू मून से फुल मून तक और अमावस तक, तो ये बॉडी का वो रहता है, लेकिन वो जीव आत्मा साक्षी वो एक ही है। जीवन में उतार चढ़ाव जितने मर्जी आए, नंबर दो के चाहे सूर्य पूरा, चंद्रमा पूरा मून, फुल मून हो, न्यू मून हो या नो मून हो, अपने आप को बैलेंस कैसे रखना है कि हमें भी पता है कि आज अगर नो मून है, ये एक दिन प्रोसेस के बाद फुल मून पे जाएगा, और फुल मून पे हमें ज्वाय नहीं मनाना, वी नो दैट बिकॉज ऑफ ऑल एडजस्टमेंट्स ये नो मून तक आएगा, मावस तक आएगा। तो ये दुख सुख का टाइम है, पीक ऑफ, तो उसमें जब फुल मून की तरह हम चमक रहे हैं जिंदगी में, मटीरियलिस्ट वर्ल्ड में, तो उसका जॉय करने की जरूरत इतनी नहीं होती। ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन अ बैलेंस। और जब नो मून का टाइम या न्यू मून जैसे शुरुआत होती है, उसमें भी कैसे पेशेंस बना के रखनी है, कैसे धैर्य रखना है। तो अपने मान सम्मान को नहीं, और मून जैसे गोल ही रहता है, तो अप्स एंड डाउन्स की वजह से अपने मान सम्मान पे आंच नहीं आने देनी। वो अंदर का जो जो एक्चुअल चंद्रमा है, उसको वैसे का वैसे ही रखना है, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं आनी चाहिए। तो वो कहते चंद्रमा से मैंने सीख लिया कि कैसे अगर हम बांटना चाहें, जैसे हमारी स्माइल भी है, हम ये नहीं कि पैसे लेके या वर्डली चीज, स्माइल है, किसी ने हमें मुस्कुरा के देखा, गुड स्माइल दी, कुछ गुड गेस्चर दिया, उधार का आया, जहां हमने उसने मुझे दिया, तो मैं आगे भी बांट सकती हूँ, तो औरों को भी दे सकती हूँ, और भी मीठा करके, तो मैं आगे किसी को हग करके स्माइल दे सकती हूँ, किसी का माथा चूम के उसको स्माइल दे पास कर सकती हूँ। तो चंद्रमा से क्या सीखा कि लेके उधार की रोशनी, वो भी ताप वाली, मीन्स हीट, और उसको रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, कूलनेस के। और एक चीज और कि चंद्रमा की रोशनी सबके लिए है, रोगी भोगी योगी के लिए, रात को हर कोई उसकी रोशनी से अपने आप को अंधेरी रात में अपनी लाइफ को जगमगा लेता है। तो मून से यही कि जो फेजेस आते हैं, वैक्सिंग और वेन, मतलब कलाएं कम ज्यादा होना, बट इट रिमेन्स, मेन शेप रिमेन्स अनचेंज्ड इन सेम वे इन अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, दिस फिजिकल लाइफ। हमें अपने मान सम्मान, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने मेंटल बैलेंस का इक्विलिब्रियम बना के रखना है, और ऑन द सोल प्रोस्पेक्टिव के जैसे कम ज्यादा होता है वो सूर्य, लेकिन चंद्रमा सेम रहता है, ऐसे ही हम जो सोल है वो बॉडीज भी अलग अलग लेती है, बट सोल वही रहती है, और ऑन द दिस लाइफ वो साक्षी भाव में जो जीवात्मा है वो सेम रहती है, और हम न्यू मून से यानी कि बर्थ से लेके फुल मून अप टू अवर यूथ एंड देन नो मून, जो हमारा ओल्ड एज की डिक्लाइनिंग फेज आता है। तो ये इसका कम ज्यादा होना वो कहते मुझे ये सब सिखा के किया। तो कहते कि इन दोनों से ही मैंने सूर्य और चंद्रमा, इनसे यही सीखा कि जो मिला को बांट दो। थैंक यू ऑल। किसी का कोई क्वेश्चन, किसी की इनपुट, एनीथिंग, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा।
कोशिश की है मैंने। मून से एक आपने थैंक यू धुरपिंदर मैम। या प्लीज गो अहेड। मैम मून से एक या आपने समझाया कि वो कैसे उधार की रोशनी लेके फिर भी सबको बांट देते हैं, और रोशनी भी गर्म लेते हैं तब भी शीतलता बांटते हैं, कूलनेस बांटते हैं। तो यस सन हीट इसी तरह हमें फील करना चाहिए कि हमारे पास जो भी है राइट टाइम पे वी शुड डिस्ट्रीब्यूट इट, चाहे वो नॉलेज है चाहे वो जॉय है ना। दूसरा आपने समझाया कि जैसे मून के फेजेस चेंज होते हैं, पर मून तो कंप्लीट ही है, इट इज नॉट कि मून कंप्लीट की है ना, उसका वो पार्ट उतना दिखता है हमें अर्थ से। सो यस सिमिलरली सिमिलरली हमारी भी बचपन से लेकर ओल्ड एज तक ये वैक्सिंग और वेनिंग मतलब बढ़ेगा और हम डिक्लाइनिंग फेज में जाएंगे, बट यस द सोल इज कंप्लीट लाइक अ मून, या राइट। जो साक्षी है जीवात्मा उसको मतलब जिसको बोलते हैं ना वो ब्लिसफुल स्टेट में, वो उसी अपने आत्मानंद में अपने पहचान में ही रहेगा। जैसे हम पहचान जाएंगे जो वैक्सिंग और वीनिंग होती है वो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सिचुएशन, परिस्थिति की वजह से होती है कि वो अर्थ का और उसकी जो अलाइनमेंट की वजह से। बट मून तो वही के वही है, वो कम ज्यादा रोशनी ऐसे ही इन द सेम वे। यस बिल्कुल मैम और ठीक। इन दोनों के अलावा और भी कुछ बताया आपने जो मून से उन्होंने सीखा? जो बर्थ बर्थ हमारे होते हैं बर्थ, कभी हम बेबी सोल के उसमें आते हैं, कभी मैच्योर सोल के उसमें आते हैं, सेम। ओके थैंक यू। और एक होता है कि वो डिफरेंशिएट नहीं करता कि रात की चांदनी है, चांदनी सबके लिए बराबर है, वो चाहे कोई चोर चोरी करने निकले रात को कि हाँ आज रोशनी अच्छी नजर आ रही है, या कोई प्रेमी प्रेमिका निकले कि बहुत अच्छा, या कोई पढ़ाई करे बैठ के, वो यूज करने वाले पे है, लेकिन वो सबको अपनी जो चांदनी एक साथ देता है। सूर्य की रोशनी तो है ही है, लेकिन रात के टाइम में रोशनी मिलना और उसमें हर कोई, आप देखो हर कोई अपना अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करता है। मैम एक बार ये थर्ड पॉइंट रिपीट कर देंगे प्लीज, जो आपने बताया डिफरेंट सोल्स जो बर्थ और ये बेबी सोल और मेच्योर सोल का बता रहे थे। जैसे ये है कि सोल हम बर्थ लेते हैं ना टाइम टू टाइम, आत्मा अपने एक सोल अपने एक्सपीरियंसेस को लर्न करने के लिए एक बॉडी छोड़ के दूसरी लेती जाती है। वो फेजेस आते जाते हैं कि पहले मेच्योर बेबी सोल, फिर इन्फेंट सोल, फिर मेच्योर सोल, वो अलग है सोल सीरीज है सारा। तो उसमें क्या यही हो गया ना कि पहले न्यू मून छोटा छोटा करके बढ़ता गया, फिर मैच्योर सोल जब फुल मून हो गया इनलाइटनमेंट, वो चीज भी आगे वो फेजेस भी पता लगते हैं उसमें, राइट इस मैम शरीर में इस बर्थ के तो पता लगते हैं, बियॉन्ड दिस बर्थ रीइनकार्नेशन। मैम जो मैच्योर सोल होती है वो क्या लास्ट स्टेज होती है? नहीं मैच्योर के बाद ओल्ड सोल आती है, ओल्ड सोल के बाद ब्लिसफुल काफी खुश है, फिर इनलाइटन सोल। मैच्योर सोल मींस कि जहाँ पे वो समझने लग जाए, मैच्योर के बाद तो फिर ओल्ड सोल आती है कि आगे पैटर्न है, काफी लंबा है सोल सीरीज का भी, करेंगे कभी या जाके मैम बुक। ये मैंने सुना था। हाँ जी मैम, तो मैम ऐसी स्टेज भी क्या आती है कि हम जब हमें लगता है कि थोड़ी समझ तो आ गई है पर उस टाइम चर्निंग ज्यादा होती है, ऐसा भी होता है कोई कि बात जब नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आप मैच्योर सोल हो गए हो। मैंने जैसे पहले भी एक दिन बताया था, जरूरी नहीं कि आपने पीएचडी कर ली, पीएचडी करके भी आप किड्स के क्लासरूम में जाके वहां एंजॉय कर सकते हो, और बच्चों के ग्रुप के बीच गए तो आप बिल्कुल किडिश और किंडरगार्टन वाला बिहेवियर उनके साथ कर सकते हो। बट यू एट दैट टाइम यू आर अवेयर दैट यू आर नाउ डूइंग, तो वो फेजेस आते रहते हैं। जरूरी नहीं कि जो मेच्योर सोल बन गई या ओल्ड सोल बन गई वो कभी बेबी सोल जैसा, मे बी उसकी ईटिंग हैबिट्स बेबी सोल की जैसी हो, मे बी जो उसके रूल्स हैं वो होता है ना कि जैसे बेबी सोल क्या उसको सोना खाना इसी से मतलब होता है,
ठीक है, यंग सोल्स होते हैं उनके अपने होते हैं कि मैं ही सही हूँ, जो मैच्योर सोल होते हैं वो जो एंग्री यंग मैन्स होते हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले, तो वो भी पार्ट टाइम टू टाइम प्ले कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन उनकी भी आती है, ये एक टैग के साथ नहीं रह सकते हम। और जो ओल्ड सोल होती है वो तो हर किसी के साथ वैसे ही बन जाती है, टू गिव तो देम मैम, लव। अगर ये बात ठीक है तो इसका मतलब हमारा किसी को जज करना तो बहुत ही गलत है फिर, अगर 100% गलत। मैं तो जैसे ये PSSM में भी सब लोग बोल देते थे, सॉरी टू से मैं सबको बोल देती होती हूँ हर प्लेटफॉर्म पे भी, कि हम कहते हैं कि आप मंदिर जा रहे हो, भक्ति कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, बट वेन वी आर, ठीक है हम ध्यानी बन गए, हमें साइलेंस में बैठना आ गया, हमें म्यूजिक से भी आगे जाके अपने अनहत नाद के साथ बैठना आ गया, इंटरनल जो ट्यूनिंग है उसके साथ साइलेंट बैठना आ गया, लेकिन जो किंडरगार्टन में है अभी या टिल प्राइमरी, वो तो गागा के टेबल्स और सम्स लर्न करेंगे ना, तो हम भजन कीर्तन को बुरा कैसे बोल सकते हैं? अगर कोई नाच रहा है, करताल बजा रहा है, ढोलक बजा रहा है, तो स्कूल में प्ले वे से लेके, अभी तो पहले तो होता था फर्स्ट से लेके, लेकिन अभी तो उससे भी नीचे कितनी आ गई हैं, LKG UKG नर्सरी प्री नर्सरी, कितना कुछ है, मुझे तो पता भी नहीं है अभी उस चीज का, लेकिन कितना कुछ आ गया है, तो वो सोल्स भी तो है ना, तो उनको अगर हम देख के जज करेंगे तो कैसे चलेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हाँ हम मैच्योर सोल हैं, हम ओल्ड सोल हैं, बट जो बेबी सोल है, यंग चाइल्ड सोल है, वो तो वही शोर शराबे वाला काम करेगी और वो उनकी आगे की ग्रोथ है, वो अटके नहीं हुए, वो अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। सो हम स्टॉप करके वापस ज्वाइन करते हैं फ्रेंड्स।